Hello guys, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Asis. I did my MBBS from Russia, so I'm a foreign medical graduate, and now I am practicing medicine in India. So in today's video, I will try to answer this question: like, is MBBS abroad worth it? Because बहुत सारे लोगों ने मुझे Instagram पे message किया है and mail किया है कि MBBS abroad worth है कि नहीं है. So I will try to answer this question by my experience because I have gone through all the phases of MBBS abroad, like MBBS बाहर से करना, फिर यहाँ पे आके licensing exam देना, and फिर उसके बाद internship पूरी करना, and got my practice license मिलना. So with my experience, I will try to answer this question. So I divided this video in three parts, three phases. Like, first one is like time and investment you are going to put in for the MBBS abroad because it is a lot of money and time. Second one is how difficult is the FMG exam, and third one is the life after passing FMG exam, licensing exam, like job availability, फिर उसके बाद internship program मिलना कितना easy है, कितना hard है, stipend and all other stuff. And in the end, I will try to give my own opinion. So without a further ado, let's get started. So let's talk about the first thing, time and investment. So MBBS abroad is a lengthy and expensive affair. You are going to put in 6 to 7 years of your life for MBBS only. So ये 6-7 साल ऐसे ही 6-7 साल नहीं आपकी life के. These are the like youth years. You are most productive during these years, and आपका brain and body works at their maximum levels. So ये 6-7 साल काफ़ी productive years you are going to put in for MBBS. And investment की बात करें तो it is going to be around 30 to 40 lakhs. So time and money, these are the two मेजर बैरियर्स फॉर मिडिल क्लास फैमिली. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि अगर हम लोन लेके MBBS अप्रोड करना चाहें तो इज इट ओके और नॉट. देन मेरा सिंपल रिप्लाई यही होता है कि जस्ट डोंट टेक लोन. अगर आप ऐसे ही मैनेज कर पा रहे हो तो ट्राई टू मैनेज इट बाय द फैमिली मेम्बर्स हेल्प, एंड लोन से बचो जितना बच सकते हो. हाँ, यू कैन टेक अराउंड लाइक 5 to 10 lakhs ऑफ लोन बिकॉज इसको चुकाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बाद में लोन रीपेमेंट में, बिकॉज आपकी फर्स्ट अर्निंग आने में आपको 7 से 8 साल लग जाएंगे. यू आर नॉट गोइंग टू अर्न दैट मच. एंड ये सब तब पॉसिबल होगा जब आप सारे एग्जाम अपने लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालोगे. मैंने स्टूडेंट एबल टू पास द लाइसेंसिंग एग्जाम बाई प्रिपेयरिंग 2 to 3 years कंटिन्यूसली. ऐसा काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए भी और उनकी फैमिलीज के लिए भी. सो इट इज़ रियली स्ट्रेसफुल और काफ़ी खराब फेज होता है लाइफ का जब आप लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं दे पाते हो आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम MBBS अब्रोड. सो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है. सो आई डोंट रिकमेंड यू गाइस टू टेक लोन. हाँ, थोड़ा बहुत लोन ले सकते हो आप अगर आपको MBBS ही करनी है तो. जस्ट डोंट टेक मोर देन 5 to 10 lakhs बिकॉज जब आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी इट विल बी ड्यूरिंग इंटर्नशिप, इट विल बी गोइंग टू अराउंड 15 to 30 k, वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. तो इस सैलरी में आपका तो खर्चा ही चलेगा इंटर्नशिप के स्टाइपेंड में. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू अर्न दैट मच आफ्टर MBBS ओनली. इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम 50 to 1 lakh स्टेट टू स्टेट. नॉर्थ में थोड़ी अच्छी सैलरी है. So during internship you won't even be able to pay the loan interest क्योंकि इसमें तो आपका खर्चा ही चलेगा. So think wisely, with that much money and time you can do something else if you have your own business idea, or you can put that money in stocks, maybe it will double. So think wisely, ये ऐसा छोटा मोटा decision नहीं है. इसका burden आपकी पूरी like family पे आएगा क्योंकि expenses तो बाद में उन्होंने चुकाने हैं. You will be able to earn after 7 to 8 years जब आपके सारे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होंगे. सो टाइम एंड इन्वेस्टमेंट, दीज आर द मेजर हर्डल्स फॉर एवरी गाय एंड गर्ल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, हाउ डिफिकल्ट इज द लाइसेंसिंग एग्जाम, FMG एग्जाम. बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइज टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, बाय द वे डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सो आप लोग लिखते हो कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं FMG एग्जाम, लाइसेंसिंग एग्जाम पास कर पाऊँगा या कर पाऊँगी. सो इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज एवरेज स्टूडेंट का कुछ लेना देना नहीं है इसमें यार. बिकॉज आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे यूनिवर्सिटी के टाइम पे. बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक स्कूल के टाइम पे टॉपर होते थे बट यूनिवर्सिटी में दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज. एंड जो कुछ एवरेज बच्चे होते थे स्कूल के टाइम पे दे आर डूइंग गुड इन द यूनिवर्सिटी. एंड बहुत सारे लोगों का एग्जाम भी हुआ है लाइसेंसिंग एग्जाम. सो स्टेट थिंग इज दैट लाइक इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन यूर ओन लैंग्वेज, अगर आप किसी भी टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में समझ पा रहे हो, एंड देन यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट टू सम अदर पीपल, तो दैट विल बी इनफ. इट मीन्स लाइक यूर ब्रेन फंक्शनिंग इज नॉर्मल, यू आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस MBBS फेज. बट यू नीड टू पुट इन द वर्क, एफर्ट डालने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको लाइक पढ़ोगे तभी समझ में आएगा और तभी याद होगा. अगर इफ़ यू आर नॉट, इंटेंशन नहीं है आपकी पढ़ने की तो जस्ट डोंट चूज दिस ऑप्शन. एंड कुछ लोगों का यार मेंटली इतने वो नहीं होते स्ट्रॉन्ग. तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दिस थिंग्स लाइक किसी भी टॉपिक को 11th या 12th के टॉपिक को समझ नहीं पा रहे हो और किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे वो अपनी लैंग्वेज में, तो जस्ट डोंट चूज MBBS अब्रोड ऑप्शन बिकॉज यू आर गोइंग टू वेस्ट योर मनी एंड टाइम. यार काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है बाहर जाते हैं जब.
पर फिर आगे ये लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं होता तो ये भी काफी लाइक घर वालों का भी काफी सैड रहते हो, आप भी सैड रहते हो, घर वाले भी सैड ही रहते हैं। तो जस्ट डोंट वेस्ट योर मनी एंड रिसोर्सेज, ट्राई टू स्टे इन इंडिया एंड डू समथिंग हेयर ओनली। सो आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन कि एवरेज स्टूडेंट हूँ, कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं एग्जाम को मैं। तो लाइसेंसिंग एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आपको टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी एंड यू आर गोइंग टू पास दिस एग्जाम इजिली। मैंने किया है, जब तक एग्जाम पास नहीं करते तब तक डिफिकल्टी लगता है एंड ये लगना भी चाहिए था कि आपको थोड़ा मोटिवेशन आए कि हाँ फेल हो गए तो क्या होगा और डिफिकल्ट है, तो उसी तरह से प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट जैसे लोगों ने इसको बना रखा है कि काफ़ी कम परसेंटेज लोग पास होते हैं। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम अ बिट अर्ली, यू आर गोइंग टू पास द एग्जाम इजिली। नेक्स्ट थिंग इज गेटिंग इंटर्नशिप आफ्टर पासिंग द लाइसेंसिंग एग्जाम। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, देर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आफ्टर पासिंग एग्जाम। आई ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो, यहाँ कहीं लिंक भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, डू चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। सो देर विल बी अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड यू आर गोइंग टू गेट योर इंटर्नशिप सीट थ्रू काउंसलिंग। अ लॉट ऑफ स्टेट्स प्रोवाइड यू इंटर्नशिप सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं एग्जाम में देन यू आर गोइंग टू गेट द गवर्नमेंट कॉलेज, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो देन यू आर गोइंग टू गेट द प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में ना आपको अपनी लाइक इंटर्नशिप की फीस देनी पड़ती है एंड यू आर गोइंग टू गेट योर स्टाइपेंड, अब स्टाइपेंड भी मिलने लग गया है, सो वाओ। एंड अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में होता है तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा एंड अकॉर्डिंग टू न्यू NMC रूल्स कॉलेज आपसे पैसे नहीं ले सकता इंटर्नशिप के लिए, बट प्राइवेट कॉलेज वाले किसी न किसी बहाने से आपसे पैसे निकलवाएंगे अराउंड 1 लाख, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त कर रहे हैं उनसे पैसे लिए उन्होंने अब भी। सो ट्राई टू गेट गुड मार्क्स इन योर लाइसेंसिंग एग्जाम ताकि आपको अच्छी सीट गवर्नमेंट सीट मिल जाए एंड यू आर गोइंग टू गेट पेड, स्टाइपेंड भी मिले आपको। देर आर लॉट ऑफ रूल्स NMC रूल्स कि आपको जिस कंट्री से आप लाइक ग्रेजुएट होके आओगे वहाँ पे 1 साल इंटर्नशिप वहाँ पे करनी पड़ेगी और वहाँ का आपके पास लाइसेंसिंग एग्जाम भी होना चाहिए, वहाँ पे प्रैक्टिस लाइसेंस आपको वहाँ की गवर्नमेंट दे एंड आफ्टर दैट यू नीड टू गो थ्रू इंडियन लाइसेंसिंग एग्जाम एंड आफ्टर दैट 1 ईयर इंटर्नशिप इन इंडिया। सो देर आर लॉट ऑफ न्यू NMC रूल्स फॉर MBBS अब्रोड, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैम इन सम अदर वीडियो, बट इन सिंपल वर्ड्स दे मेड MBBS अब्रोड मोर डिफिकल्ट, मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड खामखा ऐसे ही टाइम और पैसे बर्बाद कराना चाह रहे हैं लोगों के वो। सो इट इज़ अनदर टॉपिक, बट आपके पास एक और मोटिवेशन होगी कि लाइसेंसिंग एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं ताकि गवर्नमेंट की सीट मिल जाए, और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, वहाँ पे भी इंटर्नशिप करनी है फिर यहाँ पे भी इंटर्नशिप करनी है और वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम लेना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता जब हम वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम ले लेंगे तो हमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, अगर हमें इंडिया का ही लाइसेंसिंग एग्जाम लेना है तो हमें वहाँ के लाइसेंसिंग एग्जाम की लेने की क्या ज़रूरत है। लाइक आई नो देयर कंसर्न NMC कंसर्न की अगर वो कंट्री वहाँ अपनी कंट्री में आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं दे सकते तो हाउ कैन वी ऑफर, बट यू आर नॉट जस्ट ऑफरिंग योर लाइसेंस, वी आर पासिंग, वी आर गोइंग थ्रू द एग्जाम लाइसेंसिंग एग्जाम, तो उसके बाद ही लाइसेंस दे रहे हो ना। वो बात अलग होती है कि अगर हम वहाँ से इंटर्नशिप करके फिर वहाँ उस कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम लेते और फिर यहाँ के हमें कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता और सीधा आप लाइसेंस हमें दे देते, आई थिंक यू आर गेटिंग इट, तो तब ये बात समझ में आती है कि वहाँ का भी लाइसेंस चाहिए और यहाँ का भी लाइसेंस चाहिए। बट यू आर टेकिंग लाइसेंसिंग एग्जाम हेयर इन इंडिया, देन वाई वी हैव टू गो थ्रू वन मोर स्टेप देयर, टाइम कंज्यूमिंग एंड इंटर्नशिप, आई डोंट गेट इट, वहाँ पे भी इंटर्नशिप करनी है यहाँ पे भी इंटर्नशिप करनी है, सो दे मेड इट मोर डिफिकल्ट एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है यार। सो आफ्टर डूइंग इंटर्नशिप यू आर गोइंग टू गेट योर प्रैक्टिस लाइसेंस इन इंडिया एंड अब आप सोच रहे होगे कि अब तो लाइफ में मज़े ही मज़े हैं, बट स्पॉइलर अलर्ट, कोई मज़े नहीं होने वाले, फिर आप सोचने लग जाओगे PG के एग्ज़ाम के बारे में आगे आपका लाइक क्या एम है। MBBS में एक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता कि हम अगले एग्ज़ाम की सोचने लग जाते हैं। सो MBBS इक्वल टू अ लॉट ऑफ एग्ज़ाम, योर होल लाइफ इज़ फुल ऑफ एग्ज़ाम्स। नाउ टॉक अबाउट द जॉब ऑप्शंस, आई ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो लाइक जॉब ऑप्शंस आफ्टर MBBS अब्रोड, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा एंड आई विल ऐड दैट वीडियो लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो आप चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद में। बात करें सैलरी की एंड वैकेंसीज की कि कितनी वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं MBBS डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल ऑफिसर्स इन CHC PHC। सो फॉर परमानेंट जॉब वैकेंसीज निकलती है 2-3 साल में एक बार एंड आजकल काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बीच बीच में जॉब्स निकलती रहती हैं। तो पहले क्या होता था कि मेडिकल ऑफिसर की जॉब हमें इंटरव्यू बेसिस पे मिल जाती थी, बट आजकल एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, सो कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि एक जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं परमानेंट के लिए। एंड कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स भी कई बार, ये सीज़न पे डिपेंड करता है, अगर PG एग्ज़ाम के आसपास कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब निकली हैं तो सीट्स काफ़ी खाली जाती हैं क्योंकि बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं PG एग्ज़ाम के लिए। अगर ऐसे ही PG एग्ज़ाम नहीं है और बच्चे ऐसे खाली बैठे हैं, स्टूडेंट्स डॉक्टर्स नॉट स्टूडेंट्स, तो वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं फिर, क्योंकि खाली बैठे हैं तो किसको पैसे अच्छे नहीं लगते।
एंड पैसों से बात करें तो सैलरी की, यू आर गोइंग टू गेट इनफ सैलरी अगर आपको जॉब मिल जाती है कहीं पे भी, यू आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे, यू डोंट हैव टू आस्क मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स. सैलरी वेरीज फ्रॉम 60 to 100 के, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्टेट टू स्टेट. नॉर्थ में थोड़ी अच्छी सैलरी मिलती है, तो इंडिपेंडेंट हो जाओगे, बट सेटिस्फैक्शन काफ़ी मुश्किल से आता है लाइफ में एक बार इस फील्ड में घुस गए ना, क्योंकि आगे से आगे करने की आप सोचते रहोगे. मैं MBBS के बाद फिर PG, फिर सुपर स्पेशलिटी, फिर कोई भी फेलोशिप, ऐसे चलता रहता है लाइफ में. पहले हमें लगता है कि FMG एग्ज़ाम कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी लाइफ हो जाएगी, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी. लाइफ में काफ़ी हार्डशिप्स हैं, बट डेली अपने आप को इम्प्रूव करने की सोचना है. ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे एंड कंपेयर योर सेल्फ विद योर प्रीवियस डे सेल्फ, कि आपने क्या क्या इम्प्रूव किया है. हर दिन रेस्ट लेना, बीच में एंजॉय करना लाइफ में. एंड अगर आप इस बात को चूज कर रहे हो आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स, तो ऑल द बेस्ट, गुड लक. अगर आपको पैसन है किसी भी फील्ड में, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दैट फील्ड. अगर आपको मजा आ रहा है, बर्डन नहीं लग रहा है, दैट इज़ दैट. एंड इन द एंड आई वॉन्ट टू शेयर माई ओपिनियन कि मैंने MBBS अब्रॉड से किया है, एम आई रिग्रेटिंग इट और आई हैव डन गुड थिंग्स, लाइक आई एम सेटिस्फाइड. फॉर मी आई डोंट रिग्रेट इट, मुझे वर्थ लगा MBBS अब्रॉड से करना, बट बहुत सारे लोगों को वर्थ नहीं लगता. मोस्ट ऑफ देम आर जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता, या एक दो अटैम्प्ट में नहीं होता लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, पैसे लगते हैं. आप 26-27 के होने के बाद, नॉट 26-27, लाइक 24-25 के होने के बाद भी यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स आस्किंग मनी फ्रॉम देम. सो लाइफ कुछ ऐसी रहेगी आपकी. सो लिसन टू योर सोल. अगर आप MBBS ही करना चाहते हो, देन यू नीड टू पुट इन द वर्क. एंड अगर आप थोड़ा सा वीक हो, तो यू नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा वर्क कंपेयर टू अदर्स. जस्ट बी रेडी फॉर इट. लाइफ इतनी ग्लैमरस नहीं होने वाली है. टिल 30, आफ्टर 30 यू आर गोइंग टू गेट इनफ मनी, यू आर गोइंग टू गेट अ बेटर लाइफ आफ्टर 30 ईयर्स. अगर आपका सब कुछ सही रहा, यू आर गोइंग टू गेट अ PG सीट, एंड आफ्टर PG लाइफ अच्छी है MBBS में, बट इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स ऑफ योर लाइफ. आपके इंजीनियरिंग वाले फ्रेंड्स पहले ही सब कुछ कर जाएंगे, दे आर गोइंग टू गेट 20 लाख पैकेजेस पर ईयर, तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है वहाँ पे भी. सो लिसन टू योर सोल. अगर आपको MBBS ही करना है तो, एंड आई डोंट रिकमेंड यू गाइज टू टेक लोन एंड डू MBBS फ्रॉम अब्रॉड. कितना पैसा और टाइम डालना है इसमें, मुझे वर्थ नहीं लगता लोन का पैसा. अगर आपके पास है तो यू कैन गो, अगर नहीं है तो गो फॉर अदर थिंग्स, डोंट गो फॉर लोन. लोन वाले ट्रैप में मत फंसना. लोन रीपेमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी स्टेट्स में इतनी अच्छी सैलरी नहीं है आफ्टर MBBS. तो कीप दैट इन माइंड ऑल्सो. काफ़ी ज़्यादा लोन नहीं लेना, थोड़ा बहुत ले सकते हो, बट ट्राई टू गेट ऑल द मनी फ्रॉम योर फैमिली ओनली, ताकि इतना बर्डन ना आए बाद में आपके ऊपर, ही डिसीजन आप फ्रीली बना पाओ अपनी लाइफ के लिए. एंड हाउ टू ओप फॉर MBBS अब्रॉड. सो लाइक आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, एंड आफ्टर दैट आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप ये एग्ज़ाम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. इफ़ यू थिंक लाइक इफ आई विल गिव माई 100%, पहले बार में आपने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा, आप 100% नहीं दे पाए. सो अगर आपको लगता है 100% देने के बाद, प्रिपरेशन करने के बाद मैं नीट निकाल पाऊंगा या निकाल पाऊंगी एंड आई विल बी एबल टू गेट अ गवर्नमेंट सीट, then go for it. अगर आपको थोड़ा बहुत भी doubt है and you want to do MBBS, तो don't waste your money and time on one more extra year of drop. Just opt for MBBS abroad. अगर आपको MBBS ही करनी है तो ऐसे choose करना, don't waste precious years of your life. Time पैसे से भी बढ़ के है यार, तो try to decide it quickly. Don't waste your time, like एक और drop ले लेता हूँ, कर लेता हूँ. Try to think it after like giving नीट एग्ज़ाम वंस ओनली. बार बार अटैम्प्ट करने में क्या ही जाएगा यार, पहली बार में पता लग जाता है कि कितने पानी में हम, कितना कंपटीशन है, क्योंकि सबसे पॉसिबल भी नहीं हो पाता यार, इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है इस एग्ज़ाम में. तो थिंक अबाउट इट. आई होप यू आर अवेयर इनफ टू मेक अ डिसीजन. मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, आई जस्ट शेयर्ड माई एक्सपीरियंस. आई थिंक इट हेल्प यू. इफ सो देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. एंड आप मेरा लाइक टेलीग्राम का चैनल भी फॉलो कर सकते हो. सो आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो रिगार्डिंग NMC रूल्स फॉर MBBS अब्रॉड स्टूडेंट्स सून. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर. बाय बाय. पीस.